बॉलीवुड की सबसे यादगार और धमाकेदार शाम आईफा अवार्ड्स 2019 का आयोजन बुधवार को मुंबई में किया गया और इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के सभी सितारों ने शिरकत करके चार चांद लगा दिए और इस कार्यक्रम में बॉलीवुड स्टार्स ने अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से कार्यक्रम का समा बांध रखा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा धमाकेदार और जोरदार परफॉर्मेंस रही विकी कौशल की और वो अपने चिरपरिचित अंदाज में ही सभी का दिल जीतते हुए नजर आए। विकी कौशल अपनी फिल्म उरी के लिए काफी चर्चित है और वो अपनी डांस परफॉर्मेंस में फिल्म उरी के अपने डायलॉग हाउस द जॉश के साथ सभी को रोमांचित करते हुए दिखे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैसे हैं आप सर? थैंक यू सर, मैं होस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं सर कुछ गाने हैं, थोड़ा पंजाबी फ्लेवर रखा है, उरी के गाने हैं और मनमर्जिया के गाने हैं, सो एक्साइटेड। सर नॉमिनेशंस तो है बट आई वुड होप कि काफ़ी अवार्ड्स मिले। सर मुझे पता नहीं। हाँ जी, क्या क्या कह रहे हैं? हाँ जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हमारा फॉरेस्ट बचाना चाहिए। एक एक झाड़ इम्पॉर्टेंट है, एक एक झाड़ जितना कुछ हमें देता है वो शायद हम नहीं कर सकते उतना, बट एवरी लिटिल प्लांट, एवरी सैपलिंग, एवरी ट्री शुड बी सेव बिकॉज वी आर आंसरेबल टू द जनरेशन कमिंग हेंस। सो आई होप समथिंग गुड कम्स आउट। हाँ जी, अवार्ड्स की डेफिनेशन बहुत अच्छी वैलिडेशन होती है, अच्छा लगता है कि तुम्हें अवार्ड्स मिलते हैं एंड आप इतनी मेहनत करते हो, काम करते हो, लोगों का प्यार सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है, पर उसके बाद जब आपको ट्रॉफी मिलती है तो घर पे रखने में अच्छा लगता है कि यार कुछ मेहनत की थी जिसका एक रिवॉर्ड मिला। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पहली बार आईफा स्टेज पर परफॉर्म कर रहा हूँ, सो एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो एज अ पार्टिसिपेंट कि जिनको मैं आज तक देखता आया हूँ सिनेमा में, उनके सामने परफॉर्म करना, उनके साथ स्टेज शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। किस तरीके का प्रेशर? हाँ जी, नहीं प्रेशर मैं वैसे नहीं कहूँगा कि कुछ दिमाग लगा के आप वैसे कुछ प्रेशर में आप साइन करते हो, आप कुछ पढ़ते हो, कुछ सुनते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हो, आप उस विजन से अग्री करते हो और एक्साइटेड होते हो, तो आई जस्ट प्लंज इनटू इट। मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता कि यार इससे अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या होगा, बिकॉज आजकल फ्राइडे को क्या हो जाए वो हम प्लान नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला रहा नहीं है, तो बस जिसमें दिल आ जाता है वो हम कर लेते हैं। सॉरी क्या मुझे आप पूछ रहे हैं? अच्छा, ये बात मुझे पहली बार पता लगी है, तो जब कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कहेगा तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। देखिए बातें चलती होती हैं बट दे हैव देयर ओन कैलकुलेशंस और अपने नतीजे निकलते हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी विद द फिल्म केम आउट एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट फिल्म। थैंक यू। किसके बारे में? तख्त के बारे में। तख्त फरवरी में शुरू होगी हमारी शूटिंग, उसकी तैयारी फुल फोर्स में ऑन है और उससे पहले मैं उधम सिंह खत्म करूंगा शूटिंग और फिर बाद में हम तख्त में जाएंगे। हाँ जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ जी, बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी कास्ट है और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि जब हम एक फ्रेम में होके एक्टिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्टिंग ना निकल जाए, तो हम बड़े खुश हैं कि अच्छे से हो, बट आई एम रियली वेटिंग फॉर द प्रोसेस टू स्टार्ट, वेरी एक्साइटेड। थैंक यू, वेलकम देयर इन टॉक। सॉरी। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।